तो वहीं इस बीच इस युद्ध के बीचों बीच अमेरिका की रूस पर बड़ी कार्रवाई की जानकारी, अमेरिका ने पुतिन की बेटियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। रूस के कई बड़े अधिकारियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। पुतिन के परिवार के सदस्यों की संपत्ति फ्रीज हो जाएगी। तो अमेरिका ने पुतिन की बेटियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, साथ ही साथ रूस के कई बड़े जो अधिकारी हैं उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो भीषण जंग में बुचा में यूक्रेन ने रूस के कई सारे टैंक्स को तबाह किया, तो इस पूरे हमले में कई रूसी जवानों की मौत भी हुई है। बुचा की सड़कों पर तबाही और बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं लगातार, जहां रूसी टैंक्स पे रूसी जवानों के जले हुए शव पाए गए हैं। यूक्रेन दुनिया का एक खूबसूरत देश, लेकिन पिछले डेढ़ महीने से इसके कई शहरों की तस्वीर ही बदल गई। हर तरफ दर्द, चीख, मौत। रूस के ताबड़तोड़ हमले में यूक्रेन के शहर शहर खंडर में तब्दील हो गए। बुचा में हुए नरसंहार से शहर की सड़कें लाशों से भर गईं। रूसी सैनिकों के यहां से जाने के बाद सैकड़ों लाशें मिली, जिनकी हालत देख कोई भी सिहर उठेगा। बुचा में ज्यादा लाशें वहां मिली जिन इलाकों पर रूसी सैनिकों ने अपना अड्डा बनाया हुआ था। बुचा से आई तस्वीरें रूसी सैनिकों की क्रूरता की गवाही दे रही हैं। बुचा को कब्रिस्तान में तब्दील करने वाले रूस पर यूक्रेन ने भी करारा पलटवार किया है। यूक्रेन की सेना ने रूस के कई टैंकों को उड़ा दिया। यूक्रेन के हमले में रूस के कई जवान भी मारे गए। रूस के टैंकों से कई रूसी सैनिकों के शव बरामद किए गए हैं। यूक्रेन के घातक वार से रूस को किस कदर नुकसान पहुंचा, इन तस्वीरों के जरिए सब कुछ बयां हो रहा है। बुचा की सड़कों पर तबाह रूस के टैंकों की कतार है और इन टैंकों में रूसी सैनिकों के शव। रूसी सैनिक किस तरह मारे गए हैं उस तस्वीर को पूरी तरह दिखा भी नहीं सकते। यूक्रेन के हमले में टैंकों सहित रूस के कई जवान भी जलकर खाक हो गए। ये तमाम टैंक रूसी टैंक है। रूस की सेना ने इस पूरे इलाके पर कब्जा जमाया हुआ था। यूक्रेन की सेना के साथ भिड़ंत हुई। यूक्रेन की सेना ने इस पूरे इलाके को रूसी सेना के कब्जे से छुड़ाया और इस भिड़ंत में आप आगे तक देखिए, जितने भी टैंक्स हैं ये सभी टैंक्स रूसी सेना के टैंक्स हैं। इन सभी को नष्ट किया गया है और लगातार कई दिनों तक यहाँ पर रूसी सेना तैनात थी। जहां तक आपकी नजरें जाएगी, कैमरा पैन करके हम आपको दिखाते हैं, वहां तक यही हालात हैं और कई टैंक्स इस पूरी सड़क पर ऐसे ही आगे तक मौजूद हैं, जिसको यूक्रेन की सेना ने नष्ट किया था जब भिड़ंत हुई थी दोनों ही सेनाओं के बीच। रूस के टैंकों के पास रूसी सैनिकों के सामान भी बिखरे पड़े हैं। यूक्रेन की सेना इस मलबे को सबूत के तौर पर इकट्ठा कर रही है। बुचा से शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।